छोटे दामों से आप भी परेशान होंगे, ऐसे में ई साइकिल और ई बाइक आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं। आज के इस पॉजिटिव स्टोरी में हम बात करेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले प्रशांत कुमार के बारे में। प्रशांत ई टेक्नोलॉजी के जरिए ई साइकिल बनाकर इसे देश भर में सप्लाई कर रहे हैं। प्रशांत 8 महीने में 250 से ज्यादा साइकिल बेचकर 25 से 30 लाख रुपए का बिजनेस कर चुके हैं। लॉकडाउन में पैसों की किल्लत की वजह से इलेक्ट्रिक बाइक की जगह इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च करने का उन्होंने मन बना लिया था। इलेक्ट्रिक साइकिल को बैटरी और पेडल दोनों से चला सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गाँव में एक गाँव से दूसरे गाँव में जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रोसरी और खाने की सामग्रियों को होम डिलीवरी करने के इस्तेमाल में भी लिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें मिड ड्राइव मोटर की टेक्नोलॉजी का पहले बार इस्तेमाल किया गया है हिंदुस्तान में, जो कि कुछ कंपनियां हैं जो बनाती हैं पूरे विश्व में, लेकिन उनकी साइकिलें बहुत महंगी होती हैं, 1,90,000 से शुरू ही होती हैं वो साइकिलें। तो हमने एक वेरिएशन उसका इस्तेमाल किया है इसमें, ताकि दाम भी ज़्यादा ना बढ़े और सहूलियत भी पूरी मिल पाए। इस इलेक्ट्रिक साइकिल की वारंटी 1 साल की है। मोटर से रिलेटेड दिक्कत आने पर कंपनी साइकिल को ही रिप्लेस कर देती है। मार्केटिंग के लिए प्रशांत voltron.in.net वेबसाइट का इस्तेमाल कर उससे ऑर्डर लेते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कुछ ट्रांसपोर्टिंग कंपनियों के साथ भी टाई अप कर रखा है। ई साइकिल के बाद अब प्रशांत ई हार्वेस्टर को लॉन्च करने की तैयारी में है। ई हार्वेस्टर से कम समय में ज्यादा से ज्यादा फसल कट जाएगी और किसानों के लिए न के बराबर खर्च आएगा। अपने आइडिया और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से प्रशांत जो इनोवेशन कर रहे हैं, उससे आम लोगों की जिंदगी और आसान बन रही है। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें और जुड़े रहें दैनिक भास्कर आपके साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।